मिनट हो चुके हैं तो आप उठ सकते हैं। अब नाश्ता बन चुका है भाई साहब, ड्रीम कैचर लगाया हुआ देखो इसने ऊपर इसके। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल पड़े हैं अपने एयरप्लेन से। कैसा लग रहा है आपको अपनी गाड़ी में आखिरी बार, अपनी इतने साल पुरानी गाड़ी में आखिरी बार जाने में? गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना स्कूलों की छुट्टी कराई गई है अलर्ट के चलते, तो यहाँ पे मौसम का अलर्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मौसम का अलर्ट शुरू हो जाता है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ की जाती, मौसम हो जाता साफ। तो मुझे लगता है अलर्ट करते रहना चाहिए जब तेज़ बारिश होती है, ठीक अलर्ट करते ही मौसम बिल्कुल साफ। तो धूप लगी हुई दिखी अभी सुबह के समय, इस समय बज रहे हैं 8:30 और धूप लगी हुई है मस्त वाली। बादल भी है हल्के फुल्के से, पर ये नहीं है कि धूप लगी तो बरसेगा नहीं, तो दिन में किसी भी पहर बरस सकता है। तो इस तरह का मौसम हो रहा है अभी। तो चले नाश्ता बनाते हैं, 8:30 बज चुके हैं। देखिए इस लड़के को कैसे सोया भाई, रात में सोता नहीं, सुबह को 10 बजे तक सो रहा पड़ा हुआ है। 9:22 हो चुके हैं तो आप उठ सकते हैं। अब नाश्ता बन चुका है भाई साहब, ड्रीम कैचर लगाया हुआ देखो इसने ऊपर इसके सर पे। उठ बेटा, ऐसे नहीं उठ गया, बाथरूम में लगाएगा अभी 1 घंटा। चल निकला बाहर जल्दी, पास्ता नहीं बनाया मैंने आज भी। हाँ पास्ता नहीं बनाया, ठीक है चपाती बनी हुई है, फिर पास्ता बनाऊंगी फिर वो स्टिकी हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं बनाया। तू यार ब्लैंकेट को ऐसे मत बिछाया कर, क्या कर रखा है ये? तो छोटा वाला तक तो ठीक था, भी बड़ा ब्लैंकेट भी ऐसे बिछाया भाई, ये क्या तरीका है? ढकेगा भी इसी को और बैठाएगा भी इसी पे। कल तो फ्रेंड्स नाश्ता देखिए, कटहल की जो सब्जी है ना बड़ी यमी बनी थी कल, तो हम लोगों ने कढ़ाई भर की सब्जी कल खा ली, रात को चावल के साथ खाई, नोनी ने भी खाई, इन्होंने भी अच्छी से खाई। ये बन रहे हैं अंडे नाश्ते के लिए, ये दूध वाला था मैंने आज सुबह ही, चाय हम लोग वहाँ रख चुके हैं। तो इनको ना अंडा तोड़ना नहीं आता, दिखाओ शक्ल दिखाओ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 11:15 और मैं हो चुकी हूँ दुकान के लिए तैयार, और लंच भी मेरा बन चुका है। लंच में मैंने बनाई है आलू की तहरी, तो चले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कैसी मेरी तहरी बनी है। एक्चुअली आज मुझे किसी स्पेशल चीज़ से आखिरी बार मिलने जाना है, तो इसके लिए मैं जल्दी से तैयार हो गई और मैं निकलती हूँ दुकान की तरफ। लंच बॉक्स दुकान में रखूंगी जब तक वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दे, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी मिलने अपनी उस प्यारी सी चीज़ से। तो आप सभी लोगों को भी मेरे साथ बने रहिए मेरी प्यारी सी चीज़ से मिलने के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, पहले पुलाव फटाफट पैक करती हूँ। मुझे 11 बजे तक आने को बोला था उन्होंने, 11:15 यहीं पे होंगे, 11:30 तक मैं दुकान पहुँच जाऊँगी, तो पुलाव के दर्शन हो जाए एक बार। तो ये रहा आलू पुलाव या आलू तहरी, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से बन के तैयार हो गया, खिले खिले से चावल बने एकदम। तो चलिए मैं फटाफट से पैक करती हूँ और फिर मैं चलती हूँ दुकान की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है नैनीताल की खूबसूरत वादियाँ और खूबसूरत सा मौसम। तो मौसम अच्छा बना हुआ है आज भी, और क्या कहते हैं मैं आ गई थी 11:30 पहुंच चुकी थी मैं दुकान में, उसके बाद अभी बैठी थी, तो फिर मैंने कहा शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा बाहर को आके, फिर मैं आ गई हूँ बाहर को। तो थोड़े से लोग दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लोग, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे, मतलब बहुत कम से लोग नज़र आ रहे हैं मार्केट में। तो फ्रेंड्स ये देखिए भाई लोग नेपाल से आए हुए, इन्होंने एक आयुर्वेदिक दवा बना रखी है, ये सर दर्द जुकाम और कमर में दर्द सर्वगुण संपन्न 11 जड़ी बूटी का तेल है। अच्छा 11 जड़ी बूटियों का तेल ही ऐसे बेचने को लाए हैं? जैतून तेल। हाँ जैतून तेल, जैतून। अच्छा तो ये इतनी सी बॉटल है ना, 200 रुपए की इतनी सी बॉटल है, 100 रुपए का। अच्छा 100 रुपए का, 200 रुपए का, छोटी छोटी सी बॉटल बना के बेच रहे हैं ये, 200 रुपए का। अच्छा गिर गया ये 200 रुपए की बॉटल। ये दर्द बारे में तुम सिर से लेकर के पांव तक का दर्द कहाँ का है ये दर्द दूर? अच्छा ये दर्द के लिए रामबाण तेल है। चलो जी रामबाण तेल, ये देखिए इस तरह से जिसको भी लेना है। मैंने अभी अभी लगाया तो इन्होंने और मुझे असर भी हो गया। हाँ लगाते ही। हाँ मत करे, साइनस की बीमारी है नाक में, तो एकदम एक बार तो आग ही लग गया ऐसा हुआ, उसके बाद जो आराम मिला ना इसलिए मैंने एकदम से। अच्छा लगाते आराम मिल गया? अरे वाह ये तो बड़ा जादुई तेल है। मिनटों में जादू की तरह मैंने फिलहाल ले लिया, देखो बोबो भाई ने ले लिया भाई तेल, ये सब ने लिया है। अच्छा ये देखिए फिर लेना चाहिए, बहुत ही अच्छा, अगर जो भी असर होता है तो बोबो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है चलिए शुक्रिया, ले लो भाई सब लोग देखो। नाम बताओ तो। मेरा नाम हो जगत आयुर्वेदिक। जगत आयुर्वेदिक। अच्छा जगत शिलाजित भन्दा पनि हुन्छ, शिलाजित पनि बेच्छु, हिंग पनि बेच्छु, केसर पनि छ, अरु यो जैतून तेल। तो दोस्तों मैंने भी ले लिया छोटा सा 100 रुपए वाला, देखते हैं इसका असर, मैं बताऊंगी फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कि असर होता है या नहीं होता, आज लगा के देखती हूँ मैं भी। ये लो भाई 100 रुपए, थैंक यू। तो फ्रेंड्स दिन के 4:45 मस्त सा मौसम, पूरा कोहरा कोहरा छा गया है चारों तरफ, देख सकते हैं अब मस्त वाला कोहरा लगा हुआ है। तो काफ़ी दिनों के बाद कोहरा आया है फील्ड तक पूरे, इस तरह का मौसम हो रहा है अभी 4:45 का कोहरे वाला मौसम। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के देखिए इस समय बज रहे हैं 5 और बारिश तेज़ हो गई, अभी तक हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी लेकिन अभी बारिश भी तेज़ हो गई है। फिर मैं आ गई हूँ बाहर को शूट करने के लिए, तो इस तरह का हो रहा है, यहाँ पे लोग छाते लिए हुए खड़े हैं देखिए सारे।
तेज बारिश होती हुई। ड्राइव पे जाने का सोची थी अपनी गाड़ी में एक बार, देखते अभी चाबी मंगवा रही है। देखिए ये खिलौने वाले जो फील्ड में खिलौने बेचते ना, तो ये लोग सब हो गए यहाँ पे इकट्ठे अपने खिलौने की दुकान लेके, और यहाँ पे टूरिस्ट भी इकट्ठे हैं क्योंकि ये दुकानें जो दो दुकानें बंद है तो ये लोग सब यहाँ पे आके लगते हैं बारिश से बचने के लिए। तो सारी दुकानें खाली पड़ी हुई, एक भी कस्टमर नहीं है। ये देखिए यहाँ पे कालू बिल्कुल सीरियस बैठा, आवाज़ क्या हो गया पता नहीं इसको, इतना सीरियस है ये। मेरे निर्मला बिजी है बहुत ज़्यादा छुपते हुए थोड़ी सी, तेन जी आई नहीं है आज। और ये खूबसूरत सी दुकान वंग दी आर्ट्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है हमेशा। तो मैं बारिश में छाता देखकर वीडियो शूट करते हुए जा रही हूँ, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं किसी भी दुकान के अंदर जाऊँ क्योंकि बारिश पड़ रही है, तो मैं छाता कहाँ पर रखूँगी अपना। तो बाकी सारी शॉप्स तो फिर वही हैं, क्या कहते जैकेट्स वगैरह की, जैसी कि हमारी शॉप है ही। तो चलिए देखती हूँ, अगर निकलती हूँ अभी ड्राइव के लिए तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को, थोड़ा घूमाते हैं ज़रा, बोल रहे पति के साथ डेट पे। पति पति मुस्कुराते, पति को किडनैप करके लिया जा, लेके जाया जा रहा है जबरदस्ती, और फिर गुस्साएंगे भी अभी की कुछ भी बोलती रहती है। तो देखिए भीड़ भाड़ इस टाइप की हो रही है और काम बिल्कुल भी नहीं है, काम बिल्कुल मंदा। तो चले चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी गाड़ी जो कि बिक चुकी है, तो आज के बिकी नहीं, अभी पैसे नहीं है, पैसे तो नहीं है पर पेपर से सारे हो गए ना, डॉक्यूमेंट्स सारे तैयार होती, प्यारी सी गाड़ी हमारी, तो हमारे हाथ से निकल चुकी है अभी गाड़ी। तो हमारी फैमिली का प्यारा सा मेंबर जो कि जा रहा है हमसे बिछड़ कर, तो चलिए मैंने सोचा लास्ट एक इनके साथ में डेट पे चले जाती इस गाड़ी पे, इस गाड़ी में लास्ट डेट हम लोग मार के आ रहे थोड़ा आगे तक। और ये इतने आलसी बंदे ना, ले जाने का बिल्कुल मूड नहीं है इनका, बिल्कुल ले जाने में जबरदस्ती जबरदस्ती धक्का मार के लाई हूँ वहाँ से। तो चलो चलो निकालो गाड़ी बाहर। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी गाड़ी जो कि अब हमारी नहीं रही, तो ये मोड़ने में इनकी आफत लग गई है, मैंने बड़ी मुश्किल से निकलवाई ये गाड़ी यहाँ से लास्ट टाइम इसमें बैठने के लिए। लास्ट टाइम देख लो हमारी गाड़ी को ही। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल पड़े हैं अपने एरोप्लेन से, एरोप्लेन की आज की आखिरी सवारी हमारी, तो उसके बाद हमें नहीं मिलेगा शायद ये। ओहो जी को थोड़ा सा आगे तक, बस ऐसे यूं ही जाके आ रहे हैं हम लोग ना। तो चल लास्ट एक बार हम दोनों इस गाड़ी में ड्राइव करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। तो पति कैसा लग रहा है आपको अपनी गाड़ी में आखिरी बार, अपनी इतने साल पुरानी गाड़ी में आखिरी बार जाने में? बहुत ही दिल में ऐसा भर रख जाएगी, बहुत अच्छी गाड़ी थी, बहुत अच्छी गाड़ी थी, दिल भारी सा हो रहा है अपनी, बहुत अच्छी गाड़ी थी, हमेशा अच्छा साथ दिया आज तक, हमारे को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी कुछ भी नुकसान हुआ, 10 साल में कभी परेशानी नहीं, इतने सालों में कुछ भी नहीं हुआ आज तक, तो बहुत ही हमारी अच्छी गाड़ी थी, सफर अच्छा हमारा आज तक का था, बढ़िया रहा, कल हमें छोड़ के चली जाएगी। तो मैंने इनको बोला जबरदस्ती कि मुझे एक बार इसमें बैठना है अभी लास्ट। मेरी जिद करके जबरदस्ती लेके आई इनको, फिर वहाँ पे जब पार्किंग में पहुँचे ना, गाड़ी फंसी हुई थी हमारी, तो बड़ी मुश्किल से निकाली, इतनी मुश्किल से निकाल के फिर हम लोग लेके आ गए इधर को। तो चलिए आगे देखते कहाँ तक जाते हैं ना। ये देखिए हम लोग आए मेट्रोपोल वाली साइड से, तो यहाँ पर पहुँच चुके हम, यह है चीना बाबा चौक, यहाँ पे मंदिर है चीना बाबा का ना, तो यहाँ पे चीना बाबा चौक, इस चौक का नाम इसी लिए है। तो हम थोड़ा सा चलेंगे आगे तक जाएंगे थोड़ा सा, देखिए फ्रेंड्स मैं इसीलिए आज आई हूँ इसमें ना, क्या बोलते हैं हम लोग इसलिए निकले वैसे घूमने थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी से इसके बाद तो देखने भी नहीं दिखेगी भी नहीं मुझे, तो इनको तो शायद इलाहाबाद में कभी दिख भी जाए, पर मुझे कहाँ दिखेगी, पहले वाली दिखी थी सफारी, कभी दिखी नहीं होगी लाइफ में ना, तो इस टाइप का ही होगा कभी लास्ट मुलाकात
इतने साल का अटैचमेंट अपनी इस गाड़ी के संग, तो मैंने बोला थोड़ा सा बैठ लेते हैं। इन्होंने तो मेरे को लास्ट टाइम ही बोल दिया था, याद है आपको जब हल्द्वानी से मैं उन्होंने आए थे कि तुम्हारा लास्ट टाइम हो इस गाड़ी में हम लोगों को, उसके बाद मैं तो आज बैठी हुई थी। और दागर तो बेचारी बैठी नहीं कब से, वो तो चलो दागर को इतनी अटैचमेंट भी नहीं है शायद, पर मुझे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी। मुझे अपनी कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ मेरे को ना अपनी चीज़ों से अटैचमेंट हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स शाम के 6:30 बजे हम लोग इस जगह पे, क्या नाम है इस जगह का, अंदर ही बैठ जाए दादी, अंदर ही बैठ जाएंगे, वहीं बैठेंगे अंदर ही ना। तो देखिए हम लोग इस जगह पे, जगह का नाम मुझे नहीं पता, ये शिवांश मैगी पॉइंट पे है कोई, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा, छोटी सी वो है टी स्टॉल है छोटा सा ना एक, तो यहाँ पे रुके हम शिवांश मैगी पॉइंट पे, तो हम लोग यहाँ पे रुके, तो हम लोग चाय पियेंगे, हमने मैगी ऑर्डर कर दी, चाय ऑर्डर कर दी, फिर हम लोग चाय वाय पी के यहाँ से वापस चले जाएंगे। बस इस जिद पर हम लोग ऐसी डेट पर आ गए थे, क्योंकि लास्ट डेट हम दोनों साथ में इस गाड़ी में लगा लेते हैं, तो चलो चाय वाय पिए फिर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स ये दाजू के यहाँ पे पहुँचे हम लोग चाय पीने के लिए, तो इनकी छोटी सी भी नहीं खुली है क्या, पहले भी थी यहाँ पे, पहले से ही है, अच्छा ध्यान नहीं दिया हमने कभी ना। हाँ तो दादी आपने तो ये भी रखे हुए सामान लकड़ी के भाई, तो शो पीसेस भी रखे हुए इन्होंने, तो देखिए पेन भी बिल्कुल नया है, तो साफ सफाई का विशेष ध्यान है यहाँ पे मुझे लग रहा है, अच्छा साफ बनाते ना, पेन बिल्कुल चमक रहा है इनका पेन, हाँ वही सफाई होना चाहिए मिलते ना, हाँ वही अभी तो बिल्कुल साफ है आपका, तो तभी मैंने पूछा नया है क्या, बिल्कुल साफ लग रही है आपकी दुकान, तो दादू की दुकान ना बड़ी साफ सुथरी सी अच्छी सी है। तो मैगी वैगी खाएंगे अभी, दादू मैगी बना रहे हमारे लिए, चाय बना रहे, मैगी बना रहे, चाय मैगी पी खा पी के हम लोग निकलेंगे यहाँ से वापस नैनीताल की तरफ। ये हमारी प्यारी सी गाड़ी जिसको कि हम बहुत मिस करेंगे। फ्रेंड्स मैं आई हूँ यहाँ पे, बड़ी ही खूबसूरत सी जगह है चार खेत, तो यहाँ पे नीचे देखिए भाई लोगों को पत्ते भी खेल रहे हैं, तो यहाँ पे गेम भी चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी जगह, मैं तो ऐसी पत्थर पे चढ़ाई, तो मैंने नीचे देखा तो लोग यहाँ पे बैठ के गेम का आनंद भी लेते हुए पाए गए। तो चार खेत इस जगह का नाम है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है मुझे ना, अच्छी लग रही जगह, तो सामने हट्स वगैरह बने हुए हैं, तो ये दादू जिनके वहाँ पे हम लोग बैठे, अच्छा नीचे पार्क भी है और स्विमिंग पूल वगैरह भी बना हुआ नीचे, तो काफ़ी अच्छी सी जगह है ये, खूबसूरत सी जगह चार खेत। तो चार खेत तक हम लोग पहुँच गए हैं, तो यहीं पर हम लोग चाय मैगी के लिए रुके हैं। तो फ्रेंड्स पति के साथ मैगी डेट, और ये हमारी गाड़ी, गाड़ी की डेट लास्ट, गाड़ी के साथ लास्ट डेट, और पति के साथ तो खैर अभी डेट्स है काफी सारे पति के साथ लास्ट डेट बोला मैंने, मैंने गाड़ी के साथ अच्छा अच्छा तो चलिए मैगी खा रहे हैं हम लोग, यहाँ हमारी गाड़ी हमारे सामने, हमारी नजरों के सामने, तो चलिए कल ओझल हो जाएगी नजरों से, कल नजरों से ओझल हो जाएगी, तो हम दोनों थोड़े उदास है, इमोशनल है थोड़े की बहुत अच्छी गाड़ी थी, लकी गाड़ी है, इतने साल हमने चलाई गाड़ी को, हमेशा बहुत बढ़िया साथ दिया, अच्छा गाड़ी थी, तो चलिए आप लोग दुआ कीजिए हम इससे भी ज्यादा अच्छी वाली गाड़ी ले लें, जो हमारा और ज्यादा साथ दे और ज़्यादा अच्छी साबित हो हमारे लिए, है ना। तो फ्रेंड्स चाय मैगी हमारी हो गई है, अब हम लोग निकल रहे हैं नैनीताल की तरफ वापस, और रात होने लग गई है, अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, 7 बज रहे हैं, तो चलिए नैनीताल जाके मिलते हैं इसके बाद, या रास्ते में देखते हैं, अभी तो रास्ते में तो नहीं मिलेंगे, तो चले वापस। हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं सुकाताल से इधर को नैनीताल वापस आ गए हैं, तो चले अभी वीडियो को एंड करते हैं, फिर दुकान में पहुंच के या फिर गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठाए जैसा भी होगा देखते हैं अभी। मेरा कैमरा साफ नहीं है या मौसम साफ नहीं है, चलो मौसम साफ। तो फ्रेंड्स अभी इन रोडों पे हम इतने मजे से गुजर रहे हैं ना, जब सीजन टाइम होता है ना, बाई गॉड बाइक में भी हम लोग जाम में फंसे होते हैं, इधर इतना जाम लगता है इस साइड में, तो खतरनाक फ्रेंड्स ये देखिए। तो यहाँ पे बड़ी मतलब अच्छा लग रहा है मुझे आज, काफ़ी टाइम बाद ऐसे फ्री फ्री रोड देख के, खुली खुली सी रोड देख के, नहीं तो ज़्यादातर टाइम यहाँ पे बड़ा सीजन टाइम में खासकर, बाकी तो क्या ही होगा, सीजन टाइम में जो है जाम रहता ही रहता है। तो फ्रेंड्स हम लोग ना वापस आ चुके हैं, नीचे चार खेत तक गए थे, आप लोगों ने देखा ही अभी तक ब्लॉग में, तो वापस आए फिर गाड़ी को पार्किंग में पार्क करके, फिर हम लोग आ गए शॉप पर। तो आज की जो आज का जो ब्लॉग है इसको यहीं पे पूर्ण विराम दिया जाएगा, और कल को फिर नए ब्लॉग में मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।